भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित दिखे और उन्होंने वोट बहिष्कार करने का भी निर्णय ले लिया है। दक्षिण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर हमें भोलानाथ ओवरब्रिज से पहुंच पथ मुहैया नहीं कराया जाता तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। दक्षिण क्षेत्र के लोगों की ये मांगे बरसों से है और अभी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों की मांगे मानी जाती है या फिर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिणी क्षेत्र के लोग वोट का बहिष्कार करते हैं। देखिए भोलानाथ पुल जो है वो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। हमेशा से हम लोग जब भी भोलानाथ पुल की बात होती है तो इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जल जमाव के कारण पुल की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। लोगों को आशा थी कि हम लोग आंदोलन करेंगे और एक फ्लाईओवर बनेगा तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। फ्लाईओवर के लिए लंबा लंबा बड़े बड़े आंदोलन किए गए और जब फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि इस क्षेत्र को कोई पहुंच पथ नहीं दिया गया, सिर्फ उत्तरी क्षेत्र से उठाया गया, दक्षिणी क्षेत्र में छोड़ दिया गया। पहुंच पथ के लिए लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, अलग अलग माध्यम से आंदोलन किया गया, लेकिन कहीं कोई सुना नहीं और उल्टा हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो अंत में अब चुनाव का समय है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 100 सुनार की है तो एक लुहार की है, अब जनता की बारी है, अब जनता हिसाब लेगी और हम लोग पूर्णतः मतदान का बहिष्कार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है इस क्षेत्र में। देखिए हम लोग जब से इस भोलानाथ फ्लाईओवर का की बात चली तो हम लोगों को आसरा हुआ कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा ही प्रभावित क्षेत्र हैं जिसमें 2 वार्ड 5 ग्राम पंचायत और 3 सभा विधानसभा क्षेत्र का फैला हुआ, जब इधर हम लोग का मूल रास्ता भोलानाथ पुल के नीचे से होकर के है, उसकी हाइट आप लोग भी जानते हैं कम है और हमेशा उसमें पानी रहता है, हमारी माँ बहनें बच्चे बूढ़े सब उसमें गिर पड़ के जाते हैं। लेकिन हमारी समस्या, इस पूर्वी क्षेत्र की समस्या को नज़रअंदाज करते हुए जो यह फ्लाईओवर का डिजाइन बना वह सिर्फ उत्तर से दक्षिण किया गया, हमको उस पर पहुँचने का कोई रास्ता नहीं दिया गया। तो इस क्षेत्र की जनता ने एक संघर्ष समिति बना करके अपनी बात जो है विभिन्न माध्यमों से डीएम से लेकर के सीएम तक पीएम तक पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी और ना ही, सबसे जो विशेष बात है, ना ही इस क्षेत्र की जनता से संपर्क करने कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि विधायक एमपी कोई नहीं आया। तो अब जो है हम लोगों ने संघर्ष समिति ने जनता को बता दिया कि भैया ये लोग नहीं सुन रहे। तो अब मैं व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक होने के नाते मैं, जितने लोग खड़े हैं उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जब हमारी बात सुनते ही नहीं है, हमसे मिलने ही नहीं आते हैं तो वोट दे करके क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह। एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज है वहीं दूसरी ओर होली का माहौल है। इसी माहौल के बीच भाजपा ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में भाजपा के भागलपुर इकाई के दर्जनों पुरुष, महिला कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। कहलगांव के विधायक पवन यादव ने कहा कि होली भाईचारे व मेल मिलाप का पर्व है, इसे शानदार सौहार्द के साथ मनाने की जरूरत है। आज होली के शुभ अवसर पर पूरे भागलपुर बिहार, भागलपुर जिला के साथ पूरे बिहार के साथ पूरे देशवासी को होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं। होली के शुभ अवसर एक सौगात देना चाहेंगे भागलपुर जिलावासी को और अगल बगल के जिलावासी को कि जल्द ही जो है हवाई अड्डा गौराडी की धरती पर आपके यहाँ बनाएंगे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बिहार विधानसभा में 3 बार प्रश्न रखे बिहार विधानसभा के पटल पर और बिहार से यहां से लिखवा कर केंद्र सरकार को भेज दिए हैं और अब इंटरनेशनल हवाई अड्डा भागलपुर की धरती पर गौराडी में बनना निश्चित तय हो गया है माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी। अगला चुनाव के बाद ये हवाई अड्डा का सौगात देंगे आप लोगों को। लोकसभा सीट नहीं मिला भी है, क्या कहें? देखिए ये तो माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी समझेंगे, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व समझेंगे कि भाई ये सीट कैसे दिए और किस लिए दिए है कि नहीं। हम लोग जो ऊपर से निर्देश है उसका हम लोग पालन करेंगे। देखिए बिहार में 40 में 40 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और बूढ़ी माताओं, युवा भाई युवा बहन के द्वारा, किसान परिवार के द्वारा 40 में 40 लोकसभा सीट जीत कर करके माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में देने का काम करेंगे सभी कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने, यहाँ के मतदाताओं ने। और भाई नरेंद्र मोदी जी को
तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने देखने पसंद करेंगे और तीसरी बार शपथ भी लेंगे भारत माता की। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भागलपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर सत्येंद्र ने प्रेस वार्ता कर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर है और पूरे भारत में जितने भी विपक्षी सरकार है उसे तंग तबाह करने में जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी की कड़ी में है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था। केंद्र की सरकार मनमानी कर रही है, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल को न्याय नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी पूरे देश में तब तक आंदोलन को और धारदार बनाने में अपना अहम भूमिका निभाएगी। मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं था, बावजूद उन पर शराब नीति घोटाले का आरोप लगाया गया। यह एक साजिश के तहत किया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हार को देखते हुए यह सब कार्य कर रहे हैं, जिसे आने वाले चुनाव में देश की जनता करारा जवाब देने का काम करेगी। प्रेस वार्ता में सैफुल इस्लाम, जिला सह प्रभारी अनुज सिंह, बाबुल विवेक, विधानसभा प्रभारी सुल्तानगंज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अरविंद जी अगर जेल, क्योंकि पहले से पता था कि ये लोग जेल ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने धाराओं में चेंजेज करके इन लोग जेल जाना संभव एकदम 100% श्योर था, इसलिए इन्होंने एक सर्वे कराया था। तो वहाँ की जनता ने ये मैंडेट दिया कि आप जेल से ही रहकर मुख्यमंत्री का दायित्व तो निभाएं। जेल से इसलिए शासन चलेगा कि जब देश में तानाशाह लोग आ जाएंगे तो यहाँ की लोकतंत्र उथल पुथल हो रही है और उसको चलाना ही पड़ेगा और इससे लड़ना ही पड़ेगा। अरविंद जी अभी हमारे पार्टी के मुखिया हैं, तो इनके जाने से, इनको चुप बैठा देने से, ये इनके कार्य करने की जो पद्धति है उसको कुंद करने से हमारी पार्टी की धाराएं, हमारी पार्टी की विचारधारा कम हो जाएगी। इसलिए ये वहाँ के लोकल, वहाँ के वोटर से ये मैंडेट लिया गया कि क्या किया जाए, बाहर का कोई चीफ मिनिस्टर चेंज किया जाए या वही चीफ मिनिस्टर जेल से अपना CM सेक्रेटरिएट चलाएं। भारत के इतिहास में पहली बार होगा ना कि जरूर जरूर ये भारत के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है। केजरीवाल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पे कोई आरोप नहीं है लेकिन 2 साल से जेल में है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये तानाशाह चल रही है, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जो अबकारी नीति में कहीं SG का कहीं भी सरकार उसको लेती है, कहीं भी उसको इंटरफेरेंस कर रही है कि क्या SG ने भी कुछ किया है?
तो ये सब सोचने वाली बात है। और चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना किसी भी सरकार को, ये अनैतिक है, संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र का गला घोटना है। इसलिए हम सभी का, आज हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ हुआ, कल किसी के साथ हो सकता है, मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि सच को थोड़ा जोरदार तरीके से उठाएं, क्योंकि ये सच है, चुनी हुई सरकार है। और भगवान ना ऐसा करे, बीजेपी हो सकता है लोकसभा चुनाव खत्म होते होते हमारी आप की सरकार को गिराने का हर षड्यंत्र रच ले। इसलिए आप सभी से भी आग्रह कि सच को थोड़ा जोरदार तरीके से उठाएं। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर इकाई द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की कई गण्यमान्य शिक्षाविद, समाज सेवी के साथ जीवन जागृति सोसाइटी के दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। सबों ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाया और आगामी होली त्योहार को शांति व सौहार्द के साथ मनाने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, सचिव सोमेश यादव, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार रजक के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। के द्वारा होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और इसमें उत्साह से लोग आ रहे हैं, खास करके राम मंदिर बना है इसके लिए उत्साह एक अलग है। और होली ऐसा त्यौहार है जहां हम लोग आपस का द्वेष भूलकर हम लोग प्यार का संदेश देते हैं, और जो दुश्मन भी हो वो आज गले मिलने का त्यौहार है, और एक दूसरे को रंग लगाकर हम लोग प्रेम का इजहार करते हैं और आपस का ईर्ष्या द्वेष भूलकर हम लोग साथ ही असत्य का असत्य पर विजय की गाथा है, और इसीलिए हम लोग होली त्यौहार मनाते हैं। लोगों को इसी तरह से लगातार असत्य पर सत्य की जीत को बरकरार रखना चाहिए और इसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए ताकि असत्य कभी भी सत्य पर हावी नहीं होली के बैनर तले होली मिलन समारोह मनेलो गए। होली सबको जाने छो कि रंग के त्यौहार छिके, और रंग तो प्रतीक छे, और जरा से हम सब डूबी के शराब बोर हो छे और बहुत नाची गाबी रहलो छे। लेकिन मूल जे बात छे कि हरेक आदमी के जीवन में उत्साह हुआ और ओकरो जीवन रंगीन हुआ, आनंदमय हुआ, यह शुभकामना छे। जीवन जागृति सोसाइटी सबसे आग्रह यही करे छे कि यह होली के समय में भी अपनो जब भी अपनो बाइक चलाए छो, जखनी गाड़ी वाड़ी चलाए छो, तो हेलमेट जरूर पहनो। आरो चूँकि हमें सब जो काम करे छे उस सड़क सुरक्षा पर मूल रूप से काम करे छे, सबसे आग्रह छे कि एकदम गाड़ी कोई भी मतलब मादक पदार्थ पीबी के गाड़ी वाड़ी नहीं चलाना छे, हेलमेट पहनना छे। सबके होली के बहुत बहुत शुभकामना। कुमार गौरव, संयुक्त सचिव, जीवन जागृति सोसाइटी, भागलपुर। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल भागलपुर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष मुरलीधर साह के द्वारा किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन, अंचलाधिकारी सौरभ कुमार, जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बरारी जयकरण पासवान एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। थाना अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा निर्णय लिया गया कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगी, जो भी हुड़दंग करेगा उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि दो समुदाय का पर्व एक साथ है, इसलिए हर जगह पर पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही थाना अध्यक्ष के द्वारा जनप्रतिनिधियों को बताया गया कि छोटे मोटे मामले को आप खुद सुलझा लेना, बड़ा कोई मामला हो तो तुरंत थाने में फोन करें।